तो हमने ये हक्का नूडल्स जो चिंग्स के हैं इसको बॉईल कर लिया है। इसमें ऑयल डाल के इसको मैश कर दिया ताकि चिपके ना आए। हल्का सा ऑयल डालना है इसमें, ऑयल डाल के इसको मैश कर देंगे ताकि ये चिपके ना। तो गैस को ऑन कर लेते हैं। ये हमारा गैस ऑन हो गया है। गैस सारा कुछ हमने यहाँ पे चॉप करके रखा है, वेजिटेबल्स। इसको हल्का से गर्म हो जाए तो उसमें मैं तेल डालूंगा। अभी गर्म हो रही है गैस पर, थोड़ा हल्का से गर्म हो जाए इसके बाद इसमें ऑयल डालते हैं। तो अभी हो चुकी है गर्म, इसमें डालनी है ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने का वेट करेंगे, थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद हम उसमें जो वेजिटेबल्स हमने काट के रखे हैं उसको हम इसमें डालेंगे, फ्राई करेंगे इसमें। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम हरी मिर्च और लहसुन डाल देते हैं। लहसुन से जो टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा। प्याज डाल दी, लंबे लंबे बारीक स्लाइस करके रखते हैं प्याज और बीज को। प्याज को थोड़ा सिकने देंगे इसमें, जैसे इसको चलाएंगे ना तो उसका बीज प्याज हमारे पूरे स्लाइस से बिखर जाएंगे और फिल जाएगा पूरे कढ़ाई में। प्याज को थोड़ा वेट करेंगे इसको ब्राउन होने का। अभी हमारी हल्की से प्याज सिक गई है, इसको पूरी रेड नहीं करना है हमें, क्योंकि ऑयली वेजिटेबल्स है हमारे पास, इसको हम इसके साथ में फ्राई करेंगे इसमें। अभी हमारी हरी कैरेट इसको मैश कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको मैश करने
के थोड़ा हल्का सा हम इसको पकाएंगे, इसको थोड़ा ब्राउन कर लेंगे इसको, ताकि हमारे सारे वेजिटेबल्स पक जाएं अच्छे से। इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो अभी मैं तैयार हो चुकी है हमारी हक्का नूडल्स, बिल्कुल एकदम टेस्टी आपको दिख रहा होगा। अब इसको सर्व करेंगे और खाएंगे। थैंक यू गाइस।